ओके, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से स्टार्ट किया था. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर हमने ओरिजिन ऑफ चार्जेस डिस्कस किया, कैसे चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, ये हमने डिस्कस किया. एंड फाइनली हमने कूलम लॉ डिस्कस किया कि कूलम लॉ कैसे दो चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r से कैसे फोर्स निकाल के देगा और फोर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगाना है. तीन तीन चार्जेस गिवन है, अगर एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है तो कैसे वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो ये जो वैक्यूम की बात करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2 r2. तो वैक्यूम के अंदर फोर्स निकाली, ये सारा हमने पार्ट लास्ट टाइम कर लिया था, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कर लिया था, डायमेंशन फॉर्मूला कर लिया. तो आज हम करेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म. कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर सबसे पहले कूलम लॉ हमें क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ फोर्स दे रहा है, ये दो चार्जेस में कितनी फोर्स है कूलम लॉ हमें दे रहा है. वो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है. तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी फोर्स को इन वेक्टर फॉर्म, ये टॉपिक आपको बताएगा. प्लस ये भी बताएगा कि अगर दो चार्जेस हैं वो दो चार्जेस कहाँ पर पड़े हुए हैं. हमने अभी तक कूलम लॉ में ये देखा कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r, लेकिन एक्चुअल में Q1 Q2 की पोजीशन क्या है वो हमने डिस्कस नहीं किया. तो कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में हम आज अभी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको ये गिवन होगा कि लेट अस सपोज देयर आर टू चार्जेस. ठीक, तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, जैसे सपोज ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट. आप कहोगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की ज़रूरत क्या है, दो चार्जेस ही तो हैं और दो चार्जेस के बीच में सेपरेशन आ रहा है, मुझे एक्स और वाई एक्सिस चाहिए कहाँ. देखो अब क्या होगा इस टाइप की प्रॉब्लम में कि अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, फॉर एग्जांपल पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, तो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट r. ठीक है, तो कूलम लॉ फोर्स पूछूंगा तो आई जाएगी फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आपको इसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू गिवन होगी, मतलब आपको Q1 का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और Q1 का पोजीशन वेक्टर इज सपोज R1 वेक्टर, जैसे हम प्लस वन में किया करते थे, दिस इज R1 वेक्टर. उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर की वैल्यू Q2 की भी गिवन होगी, लेट अस सपोज दिस इज R2 वेक्टर. आपको कहोगे पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्या है, हमें सब कुछ आता तो था, Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, आंसर. अब प्रॉब्लम ये है कि आपको जब कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म के अंदर पूछा जाएगा, आपको Q1 एंड Q2 के कोऑर्डिनेट्स देगा कि Q1 का ये कोऑर्डिनेट है, Q2 का ये कोऑर्डिनेट है, आपको उसके बीच में डिस्टेंस नहीं देगा. Q1 Q2 के कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब Q1 एंड Q2 का पोजीशन वेक्टर देना. हम पोजीशन वेक्टर तो निकाल ही सकते हैं, जैसे Q1 का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 लेट अस सपोज, तो इसका पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k. तो ये पोजीशन वेक्टर है, तो कोऑर्डिनेट्स देगा Q1 Q2 के या पोजीशन वेक्टर देगा और आपसे फोर्स की वैल्यू पूछेगा. अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, हमें आज तक क्या पूछा जाता है, Q1 Q2 और R देके फोर्स पूछी जाती है, इसमें Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर देके फोर्स पूछेगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कूलम लॉ को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखना है. क्लियर है तो ऑनलाइन वालों को, क्लियर है आज हम क्या करने जा रहे हैं. यस सर. ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो मैं एक मिनट इसे मिटाता हूं. तो लेट अस सपोज इन वैल्यूज को दो मिनट भूल जाते हैं एंड मेरे पास दो चार्जेस हैं,
जैसे मैंने बताया Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड ये इसका पोजीशन वेक्टर है। मैं फिर से बनाता हूँ, एक मिनट। तो लेट अस सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस, ये आपके पास दो चार्जेस होंगे, एक चार्ज ये रहा, दूसरा ये रहा, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर, राइट। तो दिस इज आर वन वेक्टर, दिस इज आर टू वेक्टर, आर टू वेक्टर, एंड इनके बीच में डिस्टेंस इज आर, दिस इज क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू। अब मुझे एक चीज बताओ, Q1 Q2 अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो Q1 ने Q2 को क्या किया? रिपेल किया। Q2 ने Q1 को क्या किया? रिपेल किया। तो Q1 ने Q2 को रिपेल किया विद अ फोर्स ऑफ F21 वेक्टर, एंड Q2 ने Q1 को रिपेल किया बाय अ फोर्स ऑफ F12 वेक्टर। आप ये कहेंगे कि ये नेमिंग कैसे कर रहे हैं 1221? ये नेमिंग का कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये रूल 1221 ऐसा ही होना चाहिए। अपने मन की बात है, आप अगर यहां पर F1 वेक्टर F2 वेक्टर लिखेंगे तब भी क्या प्रॉब्लम है, नाम ही तो है फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने मन को ऐसे समझाया कि F21 वेक्टर का मतलब टू चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई? वन ने लगाई। मतलब अगर मैं पहले टू नंबर लिख रहा हूं और फिर वन लिख रहा हूं, तो मैं अपने मन को ऐसे बोल रहा हूं या आपको ऐसे समझा रहा हूं या मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि टू फोर्स, टू चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई? वन ने लगाई। और सिमिलरली वन चार्ज पे फोर्स लगी, किसने लगाई? टू ने लगाई, Q2 ने लगाई। तो Q1 पे फोर्स लगी, Q2 ने लगाई, Q2 पे फोर्स लगी, Q1 ने लगाई। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि 1221 इसी सीक्वेंस में होगा, पर क्योंकि मैं थ्योरी बना रहा हूं तो वेक्टर को डिफाइन मैं ही करूंगा कि एग्जैक्टली वेक्टर को मैं क्या बता रहा हूं, कि अगर F21 वेक्टर है तो उसका मतलब क्या समझता हूं। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि F12 वेक्टर, F(12) वेक्टर या F(21) वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वैल्यू ही तो पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। मेरे को पोजीशन वेक्टर चाहिए ही नहीं है उस केस में। अगर मैं आपसे क्या पूछता हूँ, F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता हूँ, तो उस केस में मेरे को कोई R1 वेक्टर R2 वेक्टर नहीं चाहिए, मैं सिंपली अपना आंसर ऐसे लिखूंगा, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर कोई मुझे ये बोलता है कि मैं F12 वेक्टर की वैल्यू लिखूं, वेक्टर की वैल्यू लिखूं, तो अब मुझे इसकी वैल्यू के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर फॉर्म का मतलब है वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो वैल्यू तो मुझे पता ही है, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा वो तो आप लिख ही लोगे, साथ में एंड में क्या लगानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन। और फिजिक्स में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं पीछे, यूनिट वेक्टर। अब जैसे आई कैप, जैसे जे कैप, के कैप, आई कैप का मतलब डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, और ऐसे के कैप का मतलब जेड एक्सिस। पर मैं ये देख रहा हूं कि F12 वेक्टर की डायरेक्शन ना तो एक्स है, ना तो वाई है, ना तो जेड है, तो क्या है, एक्स वाई जेड तो नहीं कम से कम, तो पीछे यूनिट वेक्टर क्या लगाऊं? तो यूनिट वेक्टर आप अपने मन से खुद इमेजिन कर लें। जैसे सपोज करो मैं यहां का एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूं R(12) कैप, ठीक है, मैंने कैप लगा दिया। आप कहोगे सर ये नाम कैसे, मेरी मर्जी, आप एक्स कैप लिख लो, वाई कैप लिख लो, जो आपकी इच्छा आप लिख लो, डिफाइन आप ही ने करना है सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम मैं ही डिफाइन कर रहा हूं, तो मैंने ऐसा लिख दिया कि F12 वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट अस सपोज एक यूनिट वेक्टर है R(12) कैप। अब R(12) कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, कैप, कैप का मतलब मैग्नीट्यूड इज वन, पर ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको अब समझाता हूं कि इसकी एप्लीकेशन करनी कैसे है। वापस चलते हैं अपनी शीट पे। तो अगर आप जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखें, राइट, इस डायग्राम को आप देखें, ये रहा डायग्राम,
तो इस डायग्राम में आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज R, ठीक। Q2 ने Q1 को रिपेल किया F12 वेक्टर, 12 वेक्टर का मतलब 1 के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, 2 ने लगाई, और 21 वेक्टर का मतलब कि 2 के ऊपर फोर्स लगी, 1 ने लगाई, यूनिट वेक्टर। इस तरफ से B से लेके अगर A तक जाते हैं और इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर को मैं डिफाइन करता हूं कैसे, आर ऑफ 12 कैप, 12 कैप का मतलब कि इस तरफ, मींस बी से लेके ए तक, यानी कि इट इज गिविंग डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर। सिमिलरली मैं इस तरफ की डायरेक्शन Q1 से Q2 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं बाई R21 कैप। आपको क्या मैं उल्टा कर दूं नंबरिंग में, आपकी मर्जी है, डिफाइन सिस्टम आपने करना है, आप करो डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने ऐसा कर दिया। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरे को याद करने में आसानी रहती है कि अगर F12 है तो यहाँ पर 12 ले लेते हैं, मतलब इस तरफ जाने वाली चीज़ें 12, इस तरफ आने वाली चीज़ें अगर 21 है तो यहाँ पर 21, सिमेट्री सी रहती है ताकि कन्फ्यूजन कम हो। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर। तो अब इस केस में अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो आप चेक कर सकते हैं F1 वेक्टर या F21 या F12 का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 r2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब ये मैग्नीट्यूड ओनली है, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो F12 वेक्टर की वैल्यू के पीछे का डायरेक्शन है, तो मैंने क्या सिखाया, यूनिट वेक्टर लगेगा, यूनिट वेक्टर क्या लगेगा, F12 के पीछे क्या लगेगा, R12 लगेगा, अभी मैंने डिफाइन किया था सिस्टम। और सिमिलरली F21 वेक्टर के पीछे क्या लगेगा, R21 लगेगा। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो मैंने सिस्टम ही ऐसे डिफाइन किया ताकि मेरे को डायग्राम देखना ही ना पड़े। अगर मेरे से कोई ये पूछे कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, तो मैंने याद ही कर लिया कि अगर ये 1-2 है तो ये 1-2 है, ये 2-1 है तो ये 2-1 है, आसान हो गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके मेरे पास ये टर्म आ गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड तो कट गया, आपके पास सिर्फ यूनिट वेक्टर्स बच गए। अब यूनिट वेक्टर्स में सबको पता है R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप, तो दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है, तो साइन नेगेटिव आएगा। तो इसमें अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ -1 आएगा, क्योंकि इनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, तो -1 आने पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो ये कई बार बोर्ड के अंदर प्रूफ आया करता था कि प्रूव करो कि जो कूलम्स लॉ है वो दो चार्जेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है, तो ये इसका प्रूफ है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये तो चलो एक प्रूफ है, न्यूमेरिकल कैसा आएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये वेक्टर फॉर्म है, इस वेक्टर फॉर्म में F12 वेक्टर इसके इक्वल है, दैट इज 1/4π, देखो अगर ये 12 है तो 12 मैंने याद करवाई दिया आपको। अब आप एक चीज़ जरा ध्यान से देखना, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपका R1 वेक्टर है, ये आपका R2 वेक्टर है, और अगर मैं एक वेक्टर इस तरफ ड्रॉ करूं जिसका नाम मैंने रख दिया R12 वेक्टर, क्योंकि R12 कैप इस तरफ था, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये R12 वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है कि पूरा का पूरा वेक्टर है ये ट्रायंगल का। ये क्यों बना रहा हूं 2 मिनट बाद में समझाता हूं, पर अगर मैं सिर्फ ये बताऊं कि मेरे पास ये 3 वेक्टर्स हैं, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर और ये R12 वेक्टर, इन साइड्स में ये एक वेक्टर है और ये इसे कंटिन्यू कर रहा है और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि क्लोजिंग साइड हमेशा रिजल्टेंट है। तो यानी कि R1 वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, R2 वेक्टर का और R ऑफ 12 वेक्टर का। तो R1 वेक्टर रिजल्टेंट है R2 वेक्टर का, R ऑफ 12 वेक्टर का, इट मींस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R ऑफ 12 वेक्टर। तो ये स्टेप क्लियर है। और यहां से R12 वेक्टर क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो यहां से R ऑफ 12 वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये याद रखेंगे, क्लियर है आपको सब समझाने के लिए। मैं वापस अपने रिजल्ट पे चलता हूं, तो मेरा जो रिजल्ट है, मेरा रिजल्ट ऐसा है कुछ ये रहा, ठीक है।
ये मैंने एफ ऑफ वन टू वेक्टर लिखा था यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। अगर आपको याद हो कि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, जैसे ए कैप यूनिट वेक्टर है, इट इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे ही था। तो बी वेक्टर, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, तो ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली आर ऑफ वन टू कैप को क्या लिखा जा सकता है, आर ऑफ वन टू कैप को लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये स्टेप भी क्लियर है। नेक्स्ट, अब आर ऑफ वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इटसेल्फ आर, क्योंकि आर ऑफ वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में आर है। तो चाहे आप आर ऑफ वन टू वेक्टर लिखो या आर लिखो, बात एक ही है। ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक? तो आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, इसकी जगह अगर मैं आर लिख लूं, एक ही बात है, तो आर और आर स्क्वायर आपको क्या देगा, आर का क्यूब। तो ये स्टेप भी क्लियर है। तो डिनोमिनेटर में आर क्यूब आ गया, आर वन टू वेक्टर जैसा है वैसे का वैसा ही कर दिया। तो ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक, पॉइंट्स को समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है। तो इसमें वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड किया, इसका मतलब तो आर ही होता है, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब है, और ये आर वन टू वेक्टर है। ठीक, मैंने आपको अभी वहां पर बताया आर वन टू वेक्टर क्या होता है, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। तो दिस इज आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर और डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसमें आर क्यूब नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, आप इसकी जगह लिख लो आर वन टू वेक्टर का मॉड का क्यूब, वन एंड द सेम थिंग। आप अगर इसमें आर क्यूब नहीं लिखना चाहते, आर ऑफ वन टू वेक्टर का मॉड लिखेंगे, एक ही बात है, क्योंकि आर आर लिखना या आर ऑफ वन टू वेक्टर का मॉड लिखना इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? तो यहां पर ये देखो, यहां पर एग्जैक्टली यही किया जो मैं समझा रहा हूं आपको। ये तो मैंने लिख ही दिया एज इट इज, जो आर क्यूब है अपने मन में सोचो, आर क्यूब को लिख लेते हैं आर वन टू वेक्टर का मॉड का क्यूब। आर वन टू वेक्टर का मतलब क्या है, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, अभी बताया मैंने, लेकिन यहां पर क्या लगेगा, मॉड का क्यूब। तो इसकी जगह आर वन टू वेक्टर की जगह आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मॉड का क्यूब। तो आई होप ये स्टेप भी क्लियर है। तो ये इसका पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है कूलम लॉ का। तो ये आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, अगर जब न्यूमेरिकल आएगा तो इतनी लंबी थ्योरी तो क्या ही बनाओगे कि आर वन टू क्या, आर टू वन क्या, कुछ नहीं बनेगा। मैंने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है सिंपल, आप मुझे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कूलम लॉ दो, मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, तो आएगा ही आएगा वन टू, पहले वन फिर टू, डिनोमिनेटर में आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर वन टू, यहां पर भी वन टू, और ऐसे अगर मैं लिखूंगा एफ टू वन, तो यहां पर टू वन, यहां पर टू वन। तो याद करने का आसान तरीका है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ये आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर है और ये मॉड का क्यूब है। तो ये दो फॉर्मूला सबको क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये फॉर्मूलाज? यस सर। ठीक है सर, एक बार वो स्टेप बता दो, वो मॉड का क्यूब वाला। मॉड का क्यूब वाला देखो, मैंने ये कहा कि सपोज करो आप आर ऑफ वन टू वेक्टर का मॉड लेते हो या आर लेते हो, एक ही बात है। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। तो अगर ये क्यूब लेते हो, क्यूब लेते हो, एक ही बात है? यस सर। बस हो गया, फिर खत्म। इसकी जगह आर ऑफ वन टू के मॉड का क्यूब कर लिया, और आर वन टू वेक्टर क्या होता है, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मॉड का क्यूब। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो अब क्वेश्चन आएगा कैसे, देखो इस पे कोई थ्योरी नहीं आने वाली, इस पे सीधा क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, आज की असाइनमेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज ए चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी बहुत बहुत छोटा सा ही है, कूलम लॉ की एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद इसके लेवल्स इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे जो नेक्स्ट लेक्चर से होंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि क्यू वन क्यू टू आपको उसने दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया आपको पोजीशन ऑफ क्यू वन दे दिया, पोजीशन ऑफ क्यू वन क्या है, टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, और पोजीशन ऑफ क्यू टू क्या है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री। आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ वन टू वेक्टर। तो
कोऑर्डिनेट्स को देख के आप पोजीशन मेंशन कर सकते हो। तो इसको देख के आर वन वैक्टर क्या होगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, आर वन वैक्टर। आर टू वैक्टर क्या होगा, आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर। क्लियर है? तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको एफ ऑफ वन टू वैक्टर निकालना है। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, क्यू वन क्यू टू आपको पता है, आर वन वैक्टर आपको पता है, आर टू वैक्टर आपको पता है, डिनोमिनेटर में आर वन पता है और आर टू पता है, इसका मॉड का क्यूब। तो वैल्यूज पुट कर लिया आप लोगों ने। जब आपने वैल्यूज पुट की तो आई वाली टर्म आई से सब्ट्रैक्ट, जे जे के सॉल्व करके ये टर्म आ जाएगी। नीचे मॉड चल रहा है, यहाँ पर मॉड नहीं चल रहा, तो न्यूमिनेटर में तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ही आएगा, डिनोमिनेटर में मॉड। अब मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का होल अंडर रूट का क्यूब। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये रूट थ्री का क्यूब आएगा, ये ऐसे रहेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कैसे न्यूमेरिकल करना है, ये थ्योरी सिर्फ समझाने के लिए थी कि रिजल्ट कैसे आया, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा आप सीधा रिजल्ट अप्लाई करें, एफ वन टू वैक्टर या एफ टू वन वैक्टर, आपका आंसर आएगा। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एफ ऑफ टू वन वैक्टर निकालें। ठीक, एक बार ट्राई करें, एफ ऑफ टू वन वैक्टर निकालें। इसके अंदर आपने ये देखा होगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो आप फॉर्मूला लगा लो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एफ ऑफ टू वन वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू वन इनटू क्यू टू, क्योंकि ये टू वन है तो यहाँ पर आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर का मॉड का क्यूब इनटू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। बस ये मॉड नहीं है, प्लीज़, ये ऐसे ब्रैकेट है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आर वन वैक्टर तो आप निकाल ही लोगे, यहाँ से लिख लेना आर वन वैक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप टू जे कैप थ्री के कैप, ऐसे ही आर टू वैक्टर भी यहाँ से लिख लोगे फोर आई कैप थ्री जे कैप प्लस के कैप। तो आर वन वैक्टर आर टू वैक्टर आपने लिख लिया इसमें। तो अब आपने क्या करना है, इसमें अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो दिस इज 9 इंटू टेन इज टू पावर 9 इंटू क्यू वन क्यू टू इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई आर वन वैक्टर की जगह वो पूरे का पूरा ही पुट करना है, आई कैप टू जे कैप
और प्लस थ्री के कैप, ऐसे उल्टा आएगा। ओ आर टू वैक्टर, ओके 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 ओके, आर टू वैक्टर और आर वन वैक्टर है, ओके तो उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो पहले आप इसमें आर टू वैक्टर लिखना, फिर आप इसमें आर वन वैक्टर लिख दो, कोई बात नहीं। तो आर टू वैक्टर ले लो, तो आर टू वैक्टर विल बी इक्वल टू फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस आई कैप, ऐसे माइनस मॉड लगेगा यहाँ पे, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप का मॉड का क्यूब, और ऐसे ही न्यूमिनेटर में भी फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप माइनस माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, कोई मॉड नहीं है इसको, आई कैप जे कैप के कैप के अंदर ही छोड़ना है, आई को आई की टर्म से माइनस, जे को जे, के को के के साथ। हाँ डिनोमिनेटर में माइनस करके आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट भी लेना है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। मेथड क्लियर है, रेयर क्वेश्चन है, मतलब आप लगाओ कूलम लॉ का बहुत रेयर, एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे आपको, बट हम एक या दो वैरायटी भी क्यों छोड़ेंगे, तो हमें सारा मेथड आना ही चाहिए। तो ये उन एक वैरायटी है जिससे कि कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखवाना वो पूछ सकता है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट टाइम हमने जितना भी काम किया कि अगर तीन चार्जेस हैं, थ्री कूलम पे नेट फोर्स निकालो, टू पे निकालो, माइनस थ्री पे निकालो, हम कर रहे थे लास्ट टाइम, वो सारे के सारे क्वेश्चन में जब मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालता था उसको हम क्या बोलते थे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जैसे आपने देखा कि तीन दो और चार तीन चार्जेस हैं और क्वेश्चन है कि इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, तो हम लास्ट टाइम किए क्वेश्चन कि थ्री ने टू को रिपेल किया, फोर ने टू को रिपेल किया, हमने फोर्सेज निकाली, फिर ये देखा टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस किया और नेट फोर्स आई, हमने लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम सॉल्व की। ऐसे ही ये तीन चार्जेस हैं, इस क्वेश्चन में तीन कूलम के ऊपर नेट फोर्स निकालो, तो टू कूलम थ्री कूलम को रिपेल कर रहा है, फोर कूलम थ्री कूलम को रिपेल कर रहा है, दोनों वेक्टर लेफ्ट की तरफ हैं, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, ये हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है इसके अंदर माइनस थ्री कूलम, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था कि जैसे ये तीन चार्जेस हैं माइनस थ्री फोर और सिक्स, तो अगर इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है तो सारे वेक्टर माइनस थ्री पे बनेंगे, तो फोर कूलम माइनस थ्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट थ्री इंटू फोर बाई वन स्क्वायर। मैंने बोला था जब फोर्स की वैल्यू लिखेंगे आप इसमें मैग्नीट्यूड ही पुट करना, इसमें नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव साइन से वेक्टर ड्रॉ करने के काम आ रहा है। सिमिलरली सिक्स कूलम माइनस थ्री को अट्रैक्ट करता है, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट सिक्स इंटू माइनस थ्री का मॉड डिवाइडेड बाई वन प्लस वन टू का स्क्वायर। ये दो वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, नेट फोर्स के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, तो ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये पॉइंट भी सबको क्लियर है, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। ऐसी माइनस फोर के ऊपर ये सब क्वेश्चन हमने किए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जिसमें ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, फिर टू एफ कॉस थीटा, याद है क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, टू एफ कॉस थीटा इसका नेट आंसर हुआ, ये भी मैंने बता दिया। बोलो कुछ भी नहीं, जीरो फोर्स है, अगर मैं मेरे ऊपर क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई फोर्स कैसे लगेगी, कम से कम दो चार्जेस होने जरूरी हैं, क्यू वन क्यू टू, न्यूट्रल में जीरो हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं है, अकेली बॉडी कुछ नहीं करेगी, ठीक। हाँ वो इंडक्शन के बाद कर सकती है, बात अलग, आपने ये नहीं बताया ना कि न्यूट्रल बॉडी पड़ी है, दो बॉडीज हैं, आप ये बोलें दो बॉडीज हैं, एक के ऊपर क्यू चार्ज है, दूसरे पे बाई इंडक्शन चार्ज आ गया, मैं वहाँ पर कूलम लॉ भी लगा नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो सेकंड बॉडी है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सपोज करो इनका क्वेश्चन है कि आपके पास एक ए बॉडी है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ये कह रहा है कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है, एक और बॉडी लेके आए, एक और बॉडी लेके आए, तो ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव, राइट, यही क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है इसमें कूलम लॉ लगा के दिखाओ, राइट,
क्योंकि अट्रैक्ट करेंगी। देखो ये थोड़ा सा अब लंबा काम हो गया, अभी पॉइंट चार्जेस नहीं रहे ना पहले तो, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होगा तो कुल मिला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। हाँ अब ये लॉजिक लगेगा, अगर ये चार्ज Q है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके करीब है तो इनकी फोर्स स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव चार्ज वीक है तो फोर्स कम लगेगी, तो स्ट्रांग वाली अट्रैक्टिव फोर्स जीत जाएगी, विल बी ग्रेटर, तो इसलिए विल बी अट्रैक्टिव। लेकिन आपको सर मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, इसे मैथमेटिकली सॉल्व करो, मैं ये कर नहीं पाऊंगा क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं है और शेल्स और स्फीयर हमें आते नहीं है, तो अभी हम इसको कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ वैसे अगर कोई ये पूछे कि वो बॉडी का नेट चार्ज क्या है, तो दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, वो तो आधा आधा रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया जिस वजह से अट्रैक्शन हो गई, क्योंकि डिस्टेंस इनमें चेंज हो गए, ओवरऑल चार्ज इसमें नेट जीरो ही है अभी भी, ठीक, मैं वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा इसमें। तो हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी रादर, कि सपोज करो आपके पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी, एक के ऊपर चार्ज है Q1, एक के ऊपर चार्ज है Q2, ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। सपोज मैं इन कंडक्टर बॉडीज को, या जो भी ये बॉडीज हैं, मान लो कंडक्टर हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट में ले आता हूँ, जोड़ देता हूँ। अब जब मैं इन्हें जोड़ देता हूँ, कॉन्टैक्ट में लेके आता हूँ, तो दे विल एक्ट लाइक अ वन बॉडी, अब ये टू नहीं है, अब ये वन बॉडी है। तो अगर ये एक बॉडी है तो नेट चार्ज अब जोड़ने पे कॉन्टैक्ट में लाने के बाद कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2, ये देखो ये अलग अलग थे, मैंने कॉन्टैक्ट में ले आया तो टोटल चार्ज कितने, Q1 प्लस Q2। फिर मैंने क्या किया, इन्हें सेपरेट कर दिया, भाई अब टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, जब इनकी सेपरेशन होगी तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा दोनों में, कैसे, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इसके ऊपर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये रूल याद रखना, और ये वैलिड भी तभी है जब आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, ये ना हो ना एक तो बिल्कुल इतना सा स्फेयर है जिसमें चार्ज स्टोर करने की जगह भी नहीं, एक इतना बड़ा स्फेयर है तो बात नहीं बनेगी, आइडेंटिकल ऑलमोस्ट सेम साइज स्फेयर्स हैं, तो जब कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो नेट चार्ज ऐड हो जाएगा, फिर सेपरेट करते हुए दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये न्यूमेरिकल आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में, कि दो बॉडीज हैं Q1 Q2, एक के ऊपर 10 कूलम चार्ज है, एक के ऊपर 5 कूलम चार्ज है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट में ले आए तो नेट चार्ज कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 15, और फिर सेपरेट कर दिया तो 15 बाई 2 15 बाई 2। ये रूल याद रखना जब ये किसी क्वेश्चन में यूज होगा रूल, राइट। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके असाइनमेंट में, आप होमवर्क दूंगा, आप देखना आपको मिलेगा आज ये क्वेश्चन ऐसा, होम क्वेश्चन तो आप ही ने करना है, मैं एक शॉर्टकट देके मतलब हिंट देके छोड़ रहा हूँ, क्या इक्वल Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक। तो जैसे एक Q1 है, एक Q2 है, एक अनचार्ज्ड है, जीरो चार्ज है, तो क्वेश्चन में वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि फर्स्ट ए एंड सी आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, आप बोलोगे ए एंड बी क्यों नहीं, मैंने बोला ए एंड सी तो फिर ए एंड सी, वो बोलेगा ए एंड बी तो आप ए एंड बी कर लेना, तो जो क्वेश्चन पूछने वाला बोलेगा वही आपने लगाना है, तो इसमें ए एंड सी को कॉन्टैक्ट में ले आओ, तो ए और सी जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ए के ऊपर चार्ज कितने Q1, सी के ऊपर कितना है जीरो, तो टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस जीरो, इन्हें सेपरेट कर दो। जब सेपरेट करोगे तो ए पे नया चार्ज क्या आएगा Q1 प्लस जीरो बाई 2, और सी पे क्या आएगा Q1 प्लस जीरो बाई 2, तो ए और सी के नए चार्ज आ गए आफ्टर सेपरेशन, ठीक। फिर अगली इंस्ट्रक्शन है, सी के ऊपर इतना चार्ज है, बी को तो आपने छेड़ा ही नहीं, Q2 चार्ज है, अब वो कह रहे हैं कि अब एक काम करो सी और बी को कॉन्टैक्ट में ले आओ, ये B है और ये C है, B के ऊपर चार्ज कितने हैं Q2, C के ऊपर चार्ज कितने हैं Q1 बाई 2, ये देखो C के ऊपर चार्ज है Q1 बाई 2, B के ऊपर चार्ज है Q2, इन्हें कॉन्टैक्ट में ले आओ और फिर इन्हें सेपरेट कर दो। तो जब आप इन्हें कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो नेट चार्ज क्या होगा Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2, और इसके ऊपर भी एग्जैक्टली सेम होगा। अब ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में आएगा जब आप होमवर्क करोगे, तो ये रूल याद रखना कि जिनको कॉन्टैक्ट में लेके आए पहले चार्जेस को ऐड कर दें, फिर सेपरेट करते हुए डिवाइड बाय टू करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैंने हिंट देके छोड़ दिया। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो ऑनलाइन वालों को रूल क्लियर है, ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन के ऐसे क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटिशन में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अभी टाइम के साथ आपको
मेरी शीट में और आपको असाइनमेंट में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। तो मुश्किल नहीं है, रास्ता यही है, बस ये है कि ये छोटे 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 हैं, वो दो तीन क्वेश्चन को मर्ज, जैसे अभी तीन चार जाए उसमें चार चार जा जाएंगे, पाँच आ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा वेक्टर का सम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन है, चार चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। आपको कैपिटल क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो आपने कॉपी लें, सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करेंगे, कैपिटल क्यू पे। कितने वेक्टर ड्रॉ करेंगे, चार। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्यू पे कौन फोर्स लगाएगा, एक दो तीन, और बनाए वेक्टर और नेट रिजल्टेंट निकालें। स्टार्ट करें। बेसिक रूल क्या है कि ये चार्ज आपको क्या गिवन है, क्यू, ये क्या गिवन है, क्यू, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, और बिल्कुल सेंटर के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस कैपिटल क्यू। तो नेट फोर्स किस पे निकालनी है, कैपिटल क्यू पे। कौन लगा रहा है फोर्स, चारों चार्जेस। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्यू, ये जो क्यू है, इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल। तो ड्रॉ करें, ये क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, ये लो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है, एक वेक्टर क्लियर है। तो इसके अंदर ये जो डायगोनल होता है पूरे स्क्वायर का, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल क्या होता है, रूट टू ए। आधा डायगोनल क्या होता है, रूट टू ए डिवाइडेड बाई टू, यानी कि ए बाय रूट टू। तो आधा डायगोनल कितना है, ए डिवाइडेड बाय रूट टू, क्लियर है। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो इस फोर्स की वैल्यू आएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है, ठीक है, एक फोर्स निकल गई, ऐसी बाकी तीन निकाल लें। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्मॉल क्यू। तो ये जो स्मॉल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि जो ये फोर्स लगा रहा है वही तो ये फोर्स लगाएगा बाई सिमेट्री, क्योंकि ये डिस्टेंस भी एग्जैक्टली कितना है, ए बाई रूट टू। तो ये फोर्स कितनी है, एफ। कोई डाउट इसमें, एफ एंड एफ क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में अब सपोज माइनस क्यू की बात करते हैं। तो माइनस क्यू इस कैपिटल क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा,
अट्रैक्ट, तो ये फोर्स भी क्लियर है, ठीक है, ये वेव वेक्टर भी क्लियर है, अट्रैक्टिव है तो माइनस क्यू कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। तो ये फोर्स की वैल्यू फिर से क्या आएगी, सेम, क्यों, हम तो मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड में 1/4 πε₀ कैपिटल क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू नहीं, क्यू डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि ये फोर्स और तीसरी फोर्स भी एग्जैक्टली सेम है, तो ये पॉइंट क्लियर है। और लास्ट लास्ट, ये माइनस क्यू इस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये लो हो गया अट्रैक्ट। तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या रहेगी, सेम। तो क्या स्टेप क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है चारों वेक्टर्स? यस सर। फिर से रिपीट कर दो एक बार सेकंड वाला। फिर से देखो, फिर से देखो, ये क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल कर रहा है। यस सर। कितनी फोर्स के साथ, 1/4 πε₀ क्यू कैपिटल क्यू बाय a/√2 का होल स्क्वायर। यस सर। तो ये क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल कर रहा है बाय सेम फोर्स, सेम। यस सर। माइनस क्यू इस कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट, यस सर। तो वैल्यू तो सेम है इसकी भी, और ये माइनस क्यू भी अट्रैक्ट। तो चार वेक्टर्स हो गए, दो इस तरफ, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इनके बीच में जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, 90 आएगा। 90। राइट, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल नेट वेक्टर, नेट वैल्यू क्या आएगी, 2f। f एंड f आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, 2f, f एंड f ऐड करेंगे तो 2f। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये लो, कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, राइट, ये दूसरा वेक्टर है कुछ ऐसे, और उसी तरीके से ये एक वेक्टर है, राइट, और ये दूसरा वेक्टर है, तो ऐड करके क्या आएगा, 2f एंड 2f, है ना, 2f ऐसे बना लिया, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा, और क्या बनेगा, जो नेट वैल्यू आएगी फोर्स की, फोर्स की जो नेट वैल्यू आएगी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, ऐसे बनेगा ना, बिकॉज टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहां से 2f का स्क्वायर मतलब 4f का स्क्वायर प्लस 4f का स्क्वायर, 4f स्क्वायर, 4f स्क्वायर क्या होता है, 8f स्क्वायर, 8 का अंडर रूट क्या होता है, 2√2f। अब f तो आप निकाल चुके हो, f की वैल्यू को ये लो, यहां पुट कर दिया आंसर, 1/4 πε₀ क्यू क्यू बाई a/√2 का होल स्क्वायर आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आया, तो रूल सबको क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है अभी सारा? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि ये प्लस टू की क्लास कम और वेक्टर की क्लास ज्यादा लग रही है, है ना, प्रैक्टिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मेरे को भी ऐसा फील होता है जो चैप्टर करते हैं कि वेक्टर का खेल ज्यादा है, रेजोल्यूशन, पैरेललोग्राम, कूलम ने तो बस एक ही फॉर्मूला बता के वो तो चला गया, अब वेक्टर की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट जो है इसमें, ओके, आपको एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट दी थी, उसे ओपन करें। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, इसे प्लीज ट्राई करें। विच इज बिगर, अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक कूलम का चार्ज बढ़ा है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ा है, ये बताना है। एंड
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म वन कूलम ऑफ चार्ज, तो ये आपको बताना है। तो देखो मुझे सिर्फ ये बताओ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखूं चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। क्या स्टेप क्लियर है? तो उसने कहा कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कूलम का रिलेशन है। अच्छा ये बताओ, वन कूलम विल बी इक्वल टू व्हाट? इसको इसके नीचे ले आए, 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, एक कूलम करने पूरी की पूरी टर्म यहां आ गई। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वन कूलम इज इक्वल टू, इसे जब सॉल्व किया जाएगा तो मेरे पास आएगा 0.625 इंटू 10 रेज टू पावर 19 इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो साफ पता लग रहा है कि एक कूलम में इतने टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो कौन बड़ा हुआ? वन कूलम। तो वन कूलम बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है? इतने टाइम्स बड़ा है। तो वन कूलम इतने टाइम बड़ा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कौन बड़ा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा है या वन कूलम बड़ा है? तो कौन बड़ा है? वन कूलम बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इतने टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का मतलब कितनी क्वांटिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपको याद है क्यू इज इक्वल टू एन ने क्वांटाइजेशन किया था, एन का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स। और यही मेरा आंसर है बी पार्ट का। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वन कूलम क्यों बढ़ा है और कितने टाइम्स बढ़ा है? ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है, किसी भी शीट के सॉल्यूशन जो भी सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, मैंने अपने हाथ से सॉल्व की हुई है सारी, और आपको गूगल ड्राइव पे शेयर हो जाएगी पूरी शीट्स विद सॉल्यूशन, ताकि आप रेफरेंस के तौर पे उसको देख भी सको। प्रैक्टिस आपने खुद करना ही है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आप वापस प्रैक्टिस करते हो तो आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा। आप हर वक्त वीडियो के साथ तो जाओगे नहीं, वीडियो तो आपको मिल ही जाएंगी, लॉगिन आईडी दे दूंगा आपको वीडियो का अपना, कल तक सबको मिल जाएंगे। बट इस शीट्स का भी गूगल ड्राइव आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसको एज अ रेफरेंस देख सको बाद में, राइट? नेक्स्ट बहुत आसान है, फोर्स बिटवीन क्या निकालना है? वन कूलम चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वन मीटर, किया है 9 × 10⁻⁹, 1/4 πε₀₀ q₁ q₂ r2। ये तो सिर्फ इसलिए है कि आपको कूलम लॉ लगाना आ जाए, q₁ q₂ r पुट करना आ जाए। ठीक, तो ये तो चलो क्या ही डिस्कस करेंगे। ये देखो, ट्राई करो। तो इसमें टू चार्ज पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, और हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम आर जॉइंड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो ऑब्वियसली आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 2 × 10⁻⁸ कूलम गिवन है। तो दो चार्जेस गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻⁸ कूलम के दो चार्जेस गिवन है, सेपरेटेड बाय लेंथ 1 मीटर। दो आइडेंटिकल चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये इधर रिपेल करेगा बाय अ फोर्स ऑफ एफ, और ये इसे इधर रिपेल करेगा बाय अ फोर्स ऑफ, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग टाइट होगी तो क्या आ जाएगी इसमें? टेंशन। तो अगर आप कोई भी एक चार्ज लो तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम आ जाएगा,
तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के। तो टेंशन क्या होगी इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल लेना, 1/4πε₀ 2×10⁻¹ इंटू 2×10⁻¹ अपॉन 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना तो 1/4πε₀ क्या होता है, 9×10⁻¹ आंसर। तो हो जाएगा सॉल्व, ये भी क्लियर है कि टेंशन की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कैलकुलेशन थोड़ी सी है। कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब 10⁻¹⁶। तो माइक्रो मीन्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्यू क्या आएगा, 0.4×10⁻¹ कूलम एंड अनदर स्फीयर 0.8×10⁻¹ कूलम। तो Q1 Q2 गिवन है, आपको फोर्स गिवन है 0.2। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्फीयर्स, आर निकालना है। फोर्स पाते तो आर तो निकाल ही लोगे। और दूसरा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। अब जो कूलम फोर्स है वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो अगर एक स्फीयर ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई 0.2, तो दूसरे ने पहले के ऊपर लगाई 0.2, तो आंसर विल रिमेन सेम। तो आई होप यहां तक क्लियर है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक, आपको इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो आर निकालना है। तो आप यहां से R निकाल सकते हो, तो यहां से R निकल आएगा। ये देखो, आपको Q1 पता है, आपको Q2 पता है, फोर्स पता है और R निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाओ और R की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है, 0.12 मीटर। बोलो, हाँ ओके। वैसे कायदे से मीडियम्स वैक्यूम और एयर डिफरेंट होते हैं। वैक्यूम अलग है, एयर अलग है, वाटर अलग है और ग्लास अलग है। बट नॉर्मल क्वेश्चन में एयर और वैक्यूम एक ही बात है। मतलब नॉर्मली एयर और वैक्यूम में फर्क नहीं माना जाता, तो एयर और वैक्यूम एक ही बात है। तो यहाँ पर उसने ठीक बोला, एयर गिवन है, वैक्यूम नहीं गिवन, जबकि कूलम लॉ हमने वैक्यूम के लिए किया था। बट इट्स ओके, एयर है वैक्यूम है, वो सेम चलाना है हमने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। प्लीज ये मीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन निकालनी है। अगर चार्ज ऑन ईच इज 6.5×10⁻¹⁷ आसान है। और ये लाइन क्यों लिखी है कोई बताएगा, रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन, मतलब 0.4। तो आप इसे 0.4 ले रहे हैं, रेडियाई नेग्लिजिबल। तो एक आंसर निकाल लें और फिर सेकंड आंसर चेक करें, ये पार्ट्स करें प्लीज।
टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर शेयर्स ए एंड बी, ये तो आप फोर्स तो निकाल ही लोगे, पहली फोर्स कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड पार्ट है देखो इसमें, तो आपको क्या गिवन है, आपको इसमें आर गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें, पॉइंट 50 मीटर। आपको दोनों चार्जेस गिवन है क्यू वन क्यू टू 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। आपको फोर्स निकालनी है वैक्यूम में, आप फोर्स निकाल लें तो फोर्स के लिए 1/4 πε₀ q1 q2/r², तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें 9 × 10⁹, q1 q2 पुट करें, r पुट करें, आंसर। तो एक पार्ट आ गया, एक आंसर। अब सेकेंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि चार्ज ऑन द स्फीयर इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इज हाफ्ड। तो चार्ज डबल कर दो, डिस्टेंस आधा कर दो, अब बताओ फोर्स क्या होगी। तो सेम इस फॉर्मूले में बी नेक्स्ट पार्ट में चार्ज Q1 की जगह क्या कर दिया, डबल, कितना, 2 × Q1, Q2 की जगह 2 × Q2 और डिस्टेंस R की जगह r/2। तो चार्ज कर दिया डबल, डिस्टेंस कर दिया हाफ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो न्यूमिनेटर में 2 × 2 = 4 और डिनोमिनेटर में r² / 4। तो जब रीअरेंज करोगे 4 ऊपर आ जाएगा, तो एक 4 तो पहले ही पड़ा है, r² / 4 का भी 4 ऊपर, 4 × 4 = 16। तो आपका आंसर 16 टाइम्स हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? 16 फैक्टर कैसे आ रहा है, 2 × 2 = 4, डिनोमिनेटर में r² / 4, तो वो रेसिप्रोकल होगा, तो 4 × 4 = 16। तो जो भी आपका ऊपर आंसर आया था उसको 16 से मल्टीप्लाई करके अन्य आंसर आ गया। तो ये सेकेंड पार्ट भी क्लियर है, अगर चार्ज को डबल करेंगे डिस्टेंस हाफ करेंगे तो आंसर कैसे आएगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये सेकेंड पार्ट है। अब इसका एक थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट क्या है कि टू स्फीयर्स आर प्लेस इन वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80। तो कह रहा है भाई काम करो, आपने पहले पार्ट में फोर्स निकाली थी वैक्यूम में जिसका आंसर ये आया था। दूसरे केस में आपने क्या किया, वो डबल करके चार्ज को, डिस्टेंस को हाफ करके आंसर ये निकाल लिया। कह रहे आप एक काम करो, सेकेंड पार्ट को भूल जाओ, फोर्स वैक्यूम में इसके इक्वल है, वैक्यूम में आप एक काम करो इन्हें वाटर में डाल दो, तो अब बताओ फोर्स क्या होगी। तो हमने ये लास्ट टाइम क्लास में किया था कि वैक्यूम के अंदर फोर्स तो हमने निकाली हुई है, वैक्यूम में फोर्स हमने ए पार्ट में निकाल ली थी। हमने अब इन चार्जेस को किस में प्लेस कर दिया, एक मीडियम में जिसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 80। तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर। तो यहाँ से फोर्स इन वाटर एक तरफ, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो फोर्स वैक्यूम में मुझे पता है 1.5 × 10⁻², और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, 80, डिवाइड करके आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो वैक्यूम में फोर्स हम निकाल ही लेंगे अपने फॉर्मूले से, वाटर में जाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 80 पता है, वैक्यूम में फोर्स हमने निकाल लेनी है, यहाँ से वाटर की फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे जब किसी मीडियम को चेंज करते हैं तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अपना काम कैसे करता है। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, करो ट्राई। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जब चार्ज पे क्या हो जाएगी, 0, तो हम बोल देंगे वो चार्ज किस में आ गया, इन इक्विलिब्रियम। तो करें ट्राई, लगाएं 3 चार्जेस लाइन में और जिस भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में लेके आना है उसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लें, और सुपर पोजिशन से नेट फोर्स का मतलब उसके ऊपर सारे वैक्टर ड्रॉ करें और नेट फोर्स उसकी 0 कर दें और अपना आंसर आएगा। चेक करें एक बार, थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करें।
देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस 4e एंड e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ a. तो इनमें डिस्टेंस कितने हैं a. वेयर शुड थर्ड पॉइंट चार्ज वी प्लेस. ये पॉइंट चार्ज का चार्ज क्या है कुछ भी ले लो क्यू, मैं कहाँ प्लेस करूँ ताकि सिस्टम किस में रहे इन इक्विलिब्रियम. तो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा कि मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं 4e और e, ठीक. आपके पास जो चार्जेस हैं वो है 4e और e, ये लो. तो आपका जो फर्स्ट चार्ज है दिस इज 4e, सेकेंड इज e, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है a. तो वो कह रहा है कि एक चार्ज को कहाँ प्लेस करें. मान लेते हैं इस चार्ज को x डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं. तो अगर ये x है तो ये कितना हो गया a माइनस x. कितने चार्ज को, लेट अस सपोज कुछ भी q चार्ज को, ताकि q चार्ज किस में आ जाए इन इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स ऑन q मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अब Q से ये पूछ तो लो कि तेरे पे फोर्स लगा कौन रहा है, तो Q क्या बोलेगा कि मेरे पे एक फोर्स कौन लगा रहा है 4E, और ये 4E इस Q को क्या कर रहा है रिपेल. कितनी फोर्स से रिपेल कर रहा है, 1/4πε0 4E इंटू Q डिवाइडेड बाय X का स्क्वायर. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक. नेगेटिव ले लो तो वेक्टर उल्टे बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, करके देख लो सेम आएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक. मैंने ये कहा, देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है. आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है 4e, एक चार्ज है e, ठीक है. पहला पार्ट दिव्यांश, ठीक है. देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है ना आपको, इनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है ये पूरे का पूरा, ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको a. क्या ये पॉइंट क्लियर है. वो ये कह रहा है कि बताओ मैं कोई चार्ज को, मैं किसी भी चार्ज को, मान लो q चार्ज है, मन से ले लिया q, कहाँ रखूँ. कहाँ रखने का मतलब है कि लेट अस सपोज मैंने इसे कहाँ पे रखा, एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना x, मान लो x, तो x बताओ ताकि इस q, ये q चार्ज किस में आ जाए इन इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन समझ में आ गया. तो अगर ये x है तो मुझे ये समझ में आता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर a माइनस x. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, है ना, ठीक है. तो नेट फोर्स जीरो करें इसकी. तो मैं ये कह रहा था कि इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कौन, इस क्यू चार्ज पे एक फोर्स 4e लगाएगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल. कितनी फोर्स के साथ, 1/4πε0 4e इंटू क्यू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्लियर है. और उधर से ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, ई भी तो इसे रिपेल करेगा. कितनी फोर्स के साथ, 1/4πε0 ई इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्लियर है यहां तक. अब उसने क्या कहा कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है जीरो. जीरो तब आएगा जब ये वाला और ये वाला मैग्नीट्यूड वेक्टर आपस में क्या करेगा कैंसल, यानी कि दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. तो इक्वेट कर दें ताकि नेट फोर्स क्या आ जाए जीरो. तो इन्हें इक्वेट करते हैं तो 1/4πε0 e इंटू क्यू डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. सॉरी यहां पर आएगा e और इसमें a, राइट. तो यहां पर आएगा a माइनस x का होल स्क्वायर, राइट. तो यहां पर a माइनस x का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है, इज इक्वल टू कितनी फोर्स है, 1/4πε0 4e
इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, तो आपके पास बचा दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 बाय एक्स, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, ठीक, तो 3x इज इक्वल टू 2a, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2a बाय 3। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? सॉल्व करके x कैन बी कैलकुलेटेड, ये अंडर रूट, तो अंडर रूट लेंगे तो 2 बाय एक्स आ जाएगा ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है, खत्म हो गया, अपनी कैलकुलेशन अपनी अपनी, बोलो। हाँ, तो लिखना पड़ेगा, इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, ध्यान इधर देखो प्लीज, ये क्वेश्चन आया है, वो कह रहा है कि आपने x जो लिया वो 4e से लिया, मैं ये भी तो कर सकता था कि x e से ले लेता, तो एंड में लिखना पड़ेगा कि मेरा जो आंसर आया 2a by 3, ये कहाँ से आया, फ्रॉम चार्ज 4e, लिखना पड़ेगा फ्रॉम चार्ज 4e, ऐसे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, समझ में आ रहे हैं यहां तक? इस क्वेश्चन को करें प्लीज, ये भी इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, चेक करें प्लीज।
क्वेश्चन के अंदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू. ध्यान आगे प्लीज देखो. शो दैट सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर. तो स्मॉल क्यू को हमने कहाँ रख दिया, हमने सेंटर पे रख दिया. ये देखो केस कुछ ऐसा है कि मान लो आपके पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है कैपिटल क्यू, और आपने इसके मिड पॉइंट पे स्मॉल क्यू को रख दिया. तो ये मान लो अगर एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है. पिछले क्वेश्चन में उसने कहा कि मैं स्मॉल क्यू को कहाँ रखूँ, एक्स निकाल लो, कि स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो मैंने स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स ली और इक्विलिब्रियम बना दिया, नेट फोर्स जीरो कर दिया, आंसर आ गया. इस क्वेश्चन में उसने ये कहा स्मॉल क्यू को मिड पॉइंट पे रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए. अब सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, तीन, तो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं. कहने का मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, और ये भी इक्विलिब्रियम में. फर्क है, एक मैं कहूंगा स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में आ जाए, बाकी ना आए. एक है सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो कोई भी चार्ज ले लो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशनड है कि बताओ कि स्मॉल क्यू की वैल्यू प्रूव करो माइनस कैपिटल क्यू बाई फोर, ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. अब सिस्टम में सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का ध्यान जाता है स्मॉल क्यू के ऊपर. स्मॉल क्यू को प्लेस किया तो वो कहते हैं स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है, तो क्यों ना एक काम करें स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं. तो कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू को क्या किया, रिपेल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. सिमिलरली कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू को क्या किया, रिपेल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर. और नेट फोर्स क्या करनी है, जीरो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है. तो जब मैंने इक्वेट किया तो कैंसिल ही हो गया पूरे का पूरा, कुछ भी नहीं, प्रूव ही नहीं हुआ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर. पर कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं है, मैंने भी उसने कहा इक्विलिब्रियम में, मैंने इक्विलिब्रियम में लगा दिया, नहीं आंसर आया, कोई बात नहीं. अगर इससे आंसर नहीं आया तो फिर ये चार्ज ले लेते हैं इक्विलिब्रियम, या वो ले लेते हैं, कुछ भी ले लो. तो इससे आंसर नहीं आया, पर ये कॉन्सेप्ट सही है. तो हम फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं. ये लो, सच दैट ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये एक्स और ये एक्स, राइट. अब एक चीज देखो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं इसकी इसको इक्विलिब्रियम में लेता हूं, राइट. अब मैं इसको इक्विलिब्रियम में लूंगा. स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू को क्या किया, रिपेल. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू ने क्या किया, रिपेल. कितनी फोर्स से रिपेल किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. क्या स्टेप क्लियर है यहां तक. अब मैं इक्विलिब्रियम किसका बना रहा हूं, इसका बना रहा हूं. सारी फोर्सेस किस पे लिखूंगा, इस पे लिखूंगा. फिर स्मॉल उस कैपिटल क्यू ने भी कैपिटल क्यू को क्या किया, रिपेल. तो उस कैपिटल क्यू ने इस कैपिटल क्यू को रिपेल किया, तो इसका वेक्टर भी इस तरह बन गया. कितना बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर. क्लियर है. तो इस चार्ज ने इसे रिपेल किया, उस चार्ज ने इसे रिपेल किया, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये भी इक्विलिब्रियम में है. तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जो इनके ऊपर होगी, कैपिटल क्यू बाई 2x का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, नेट फोर्स क्या आनी चाहिए, जीरो. तो ये कैंसिल हो गया जीरो से, ये भी कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या बचा, कैपिटल क्यू बाई 4x स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर भी गया, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, आंसर आ गया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसका मतलब स्मॉल क्यू नेगेटिव चार्ज होगा और ये आंसर आएगा. कोई डाउट इसमें. तो कैसे इक्विलिब्रियम बनाने समझ में आ रहा है. तो जिसका भी इक्विलिब्रियम बनाना है उस पर नेट फोर्स ले लें, सारे वेक्टर उसके ऊपर ड्रॉ कर दें और उसका रिजल्टेंट क्या कर दें, जीरो कर दें. तो पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, ठीक. ये क्वेश्चन नीट में, मेंस में, एनसीईआरटी के स्कूल में बहुत बार आया हुआ है,
आपको ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेंस, नहीं मैंने क्या कहा था, मेंस नीट तीन लेवल में बनता है, एक बहुत इजी, एवरेज मुश्किल, ये बहुत इजी में से है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी देते हैं वो आपको कि कम से कम एटलीस्ट आप बिल्कुल उड़ी ना जाएं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बीच में, तो 8-10 क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे बिल्कुल एनसीईआरटी शीट में से, ठीक, फिर थोड़ा एवरेज की तरफ चले जाएंगे, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ जाता है ऐसे, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक, तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ना पढ़ें कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्टिव शीट करूँगा वो कॉम्पिटिशन है, ये करूँगा ये कॉम्पिटिशन नहीं, या वो तो एनसीईआरटी है, बिल्कुल भी ना पढ़ें, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ें कि बस मुझे सीखना है और मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है बस, चाहे वो किसी भी शीट का क्वेश्चन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया फिर हर जगह एप्लीकेशन है उसकी, क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, इसमें दोनों चार्जेस में से कोई एक नेगेटिवली चार्ज्ड होगा? नहीं, स्मॉल क्यू, उसने कहा ना प्रूफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4, कैपिटल क्यू तो पॉजिटिव ही है, जो स्मॉल क्यू का चार्ज है वो माइनस क्यू बाय 4 होगा। ओके सर, जो प्रूफ करना है, राइट तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, राइट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ये एज होमवर्क करना है इसे, प्लीज होमवर्क मार्क करें, ये क्वेश्चन चेक करें प्लीज, ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता लास्ट टाइम किया था, वैसे आप इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसमें कि इसमें दो चार्जेस हैं 2×10^-8 और दूसरा -10^-8, दो चार्जेस हैं और ए और बी पे पड़े हुए हैं, पी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो 1 μC का चार्ज है, तो आपको पी पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, और ये जो एंगल है आपस, ये क्या गिवन है आपको, 90 गिवन है ऐसे, हाँ माइक्रो कूलम का मतलब 10^-6 करना पड़ेगा, हाँ 10^-6 करना पड़ेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन मुझे याद है हमने किया था, और ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर ए पे चार्ज कितने हैं, 2×10^-8 कूलम, यही है ना, और इसके ऊपर कितना है, -10^-8 कूलम, और पी पॉइंट पे कितना है, 1×10^-6 कूलम, क्योंकि माइक्रो कूलम है ऐसे, ठीक है, डिस्टेंसेस भी गिवन है आपको, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, और नेट फोर्स किस पे निकालनी है, इस पे निकालनी है, 1 μC पे निकालनी है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा विद अ फोर्स ऑफ F1, तो F1 की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, 1/4πε0 2×10^-8×10^-6, और ये डिस्टेंस है 10 का मतलब 0.1 का होल स्क्वायर, ऐसी ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये लो इस तरफ बाय अ फोर्स ऑफ F2, तो F2 की वैल्यू भी आप निकाल लेना, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड 10^-8 मैग्नीट्यूड ओनली, कोई साइन मत ले प्लीज इसमें, × 1×10^-6 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है इनका, 5 cm, तो 5×10^-2 का होल स्क्वायर, F1 F2 निकल गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो 90 है तो फिर क्या करें, इसमें 90 है तो इसका नेट जो आंसर आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या बनेगा, F विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F, तो लंबी कैलकुलेशन है बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, क्लियर है? ठीक, ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, इसके बाद ये लो, वॉट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के ऊपर कितने क्या इक्वल चार्जेस हमें
प्लेस करने पड़े टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. अब एज्यूमिंग अर्थ एंड मून आर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज देने पड़ेंगे, बड़े बड़े स्फीयर लगे तो कूलम लॉ कैसे लगेगा. तो क्यू एंड क्यू ले लेंगे, इक्वल चार्जेस क्यू एंड क्यू, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू बाय आर का स्क्वायर. और वो किसे बैलेंस करे, वो कह रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स दो प्लैनेट्स की क्या है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर. इक्वेट करें, आंसर निकालें. मैं फिर होगा नहीं, कूलम लॉ लगेगा नहीं, बेसिक है ना, तो पॉइंट चार्जेस बेसिक है, तो पॉइंट चार्जेस. तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है. जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन टू क्यू बाई आर का स्क्वायर, ऐसे होगा ना. और फिर इन्हें इक्वेट करके क्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्यू आ जाएगा. क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, न्यूट्रलाइज का तो इक्वल कर देना, बात खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया, ग्रेविटेशन का और कूलम लॉ का. ठीक, ये लो. अब आप कहेंगे कि ये दो चार्जेस है वो मूव करने को कह रहे हैं. देखो जब तक मूव करने को बोले ना तो स्टैटिक ही है, क्योंकि मूव करने को कहा तो करने दो, मूव करो क्वेश्चन को. ये ना कहे सर अब स्टैटिक स्टैटिक कर रहे हैं, तो अब स्टैटिक कहाँ गया आपका. तो मूव करने को बोल रहे हैं तो फिर करें मूव, शुरू करें. वैसे फिक्स चार्जेस हैं, तो इसके अंदर टू इक्वली चार्ज पार्टिकल्स हेल्ड 3.2 × 10⁻³ मीटर अपार्ट आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट. तो
रेस्ट से रिलीज कर दिए, फिक्स नहीं रखा, छोड़ दिया। तो अब ये दो चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अब जब ये अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे तो डिस्टेंसेस चेंज होंगे चार्जेस के, जब डिस्टेंसेस चेंज होंगे तो फोर्स चेंज होगी, तो एक्सेलेरेशन चेंज होगी। इसीलिए उसने कहा कि इनिशियल एक्सेलेरेशन, बाद में क्या हुआ, बाद में तो चेंज हो जाएगी एक्सेलेरेशन, तो रिलीज करते ही एक्सेलेरेशन गिवन है ताकि डिस्टेंसेस की वेरिएशन उसमें कंसिडर ना की जाए। तो वो कह रहा है कि दो इक्वल चार्जेस है, रेस्ट रिलीज कर दिया, इनिशियल एक्सेलेरेशन दी फर्स्ट पार्टिकल इज 7 एंड सेकेंड इज 9, तो फर्स्ट का मास गिवन है और सेकेंड का आपको मास इसमें निकालना है, राइट। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th, ओके। आंसर कितने लोगों का आ गया इसमें, आंसर कितने लोगों का आ गया, आ गया, ओके ओके। देखो सेम क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन के अंदर मास फर्स्ट पार्टिकल का गिवन है, सेकंड का मुझे निकालना है। मैंने ये मान लिया कि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो दे आर बेसिकली अट्रैक्टिंग, आप रिपल्शन के साथ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर चाहिए नहीं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड से काम होना है, अट्रैक्शन रिपल्शन का कोई चक्कर नहीं। तो ये पॉइंट क्लियर है, एम वन पता है, एम टू निकालना है, इनिशियल एक्सेलेरेशन पता है, इनिशियल एक्सेलेरेशन इसकी पता है, एक ही साथ एक ही नौ, डिस्टेंस पता है इनके बीच में क्या है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये चार्ज इस चार्ज को खींचेगा और ये चार्ज इसे खींचेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों में एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इसमें सेम रहेगा, तो जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0Q1Q2R2, वो अलग बात है जो भी इसमें फोर्स होगी, राइट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम रहेगा, तो ये जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी सॉल्व करके, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलेरेशन इसके लिए, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए मैं लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम वन इंटू ए वन, और सिमिलरली सेकेंड के लिए लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू क्या, एम टू इंटू ए टू। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम वन ए वन, एफ इज इक्वल टू एम टू ए टू। हाँ, वो एफ की वैल्यू मैं नहीं पुट कर रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि एफ की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो एक काम करते हैं इसमें, तो इसके अंदर इक्वेट कर लेते हैं ना, तो दोनों तरफ से फर्स्ट पार्टिकल के लिए एफ इज एम वन ए वन, सेकेंड के लिए एफ इज इक्वल टू एम टू ए टू, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि एफ की वैल्यू दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम ही तो है। तो मैंने इक्वेट कर लिया, तो एम वन पता है, ए वन पता है, एम टू निकालना है, ए टू पता है, तो सॉल्व करके वी कैन कैलकुलेट एम टू। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, एम टू आ गया। अब वो अगले पार्ट में ये भी कह रहे हैं कि इन दी अबव प्रॉब्लम फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, तो दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज भी निकाला जाए। तो कोई बात नहीं, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगी, 1/4πε0Q1Q2x2। चार्ज वो कह रहा है आइडेंटिकल है, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। फोर्स तो मुझे पता ही नहीं क्या है, पर हाँ मुझे ये पता है कि फोर्स मैं निकाल सकता हूँ बाई अप्लाइंग फॉर्मूला एम वन ए वन या एम टू ए टू, कोई भी लगा लो। तो मैंने एफ की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एम वन ए वन। आप चाहो तो एफ की जगह रिप्लेस कर सकते हो एम टू ए टू। तो आप इसे इक्वेट करें, इक्वेट करके एम वन पता है, ए वन पता है, इसकी वैल्यू पता है, क्यू नहीं पता, एक्स पता है, यहाँ से क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप आ नहीं रहा आंसर, वो एक बार चेक करना, आ रहा आंसर चेक कर लेना एक बार प्लीज। ना रिपेल कर लो, अगर रिपेल करोगे तो फर्क क्या पड़ता है, एम वन ए वन एम टू ए टू स्टेप सेम है। ठीक है, नहीं इक्वल नेचर में इक्वल है ये नहीं पता ना, वैल्यू इक्वल है का मतलब ये थोड़ा है कि नेचर भी इक्वल है प्लस प्लस, इसलिए ओके। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखें प्लीज, इसको सॉल्व करें।
दो ही क्वेश्चन बनाएं, ट्राई करें प्लीज, कि इसमें टू पॉइंट चार्जेस विच आर 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 और सम ऑफ चार्जेस गिवन है 9 माइक्रोकूलम, तो आपको क्या निकालना है इनकी Q1 Q2 की वैल्यू, ट्राई करना प्लीज, कैलकुलेशन करें इसकी। तभी दिए, तभी मैंने कहा कैलकुलेशन करो। देखो टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 0.1 मीटर अपार्ट है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन लाए हैं, देखो कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। इसमें 0.1 मीटर अपार्ट है टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, सपोज एक चार्ज कितना है Q1 है, दूसरा कितना है Q2 है, 0.1 मीटर अपार्ट है, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, तो इनके बीच में क्या गिवन है, फोर्स गिवन है 18 न्यूटन, सम ऑफ द चार्जेस 9 माइक्रोकूलम, यानी कि साइड पर लिख लेता हूं Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम, ये लो 9 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम गिवन है, तो इसका मतलब इसमें Q1 Q2 माइक्रोकूलम में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स गिवन है, चलो फोर्स का फॉर्मूला लगाएं, फोर्स इज इक्वल टू क्या, 1/4πε₀ Q1 into 10⁻⁶, क्योंकि हमने डिसाइड क्या किया कि Q1 Q2 के यूनिट्स किस में चल रहे हैं, माइक्रो कूलम में, माइक्रो कूलम का मतलब क्या हुआ माइनस, तो यहां पर पुट करना पड़ेगा Q1 × 10⁻⁶ into Q2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट क्लियर है। और दूसरी इक्वेशन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁶, ये दूसरी इक्वेशन, तो ये आपकी पहली इक्वेशन या आपकी दूसरी इक्वेशन, इन्हें आपने क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो कितने लोगों का आंसर आ गया सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक बनाई आपने, क्वाड्रेटिक बनाई। अच्छा एक बात बताओ, इस जो भी इक्वेशन है यहां से Q1 × Q2 का प्रोडक्ट आ जाएगा, ऐसे ही होगा, वहां से Q1 − Q2 का सम आ जाएगा, ऐसी है ना, राइट, जो भी आएगा, जो भी वैल्यूज आएगी सॉल्व कर लेना। तो आपके पास अब दो दो चीजें हैं, मैंने क्या बोला कि आप अपनी इक्वेशन से Q1 × Q2 निकाल सकते हैं, आप अपनी इक्वेशन से Q1 + Q2 आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, जो भी गिवन है, आप
q1 की वैल्यू q2 की फॉर्म में यहां पुट करके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4q1q2। ऐसे होता है ना मैथ्स में। इससे एक फायदा होगा क्योंकि हमें ये टर्म पता है, क्योंकि हमें ये भी टर्म पता है, तो हम यहां से आसानी से सॉल्व करके q1 माइनस q2 कैन बी कैलकुलेटेड। अब q1 माइनस q2 पता है, q1 प्लस q2 पता है, इन दोनों को सॉल्व करके q1 q2 कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आप क्वाड्रेटिक नहीं बनाना चाहते तो बना सकते हैं, तो अच्छी बात है, बना लें, नहीं तो ये भी एक तरीका है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप इस मैथ्स की आइडेंटिटी को यूज करके आप q1 माइनस q2 निकाल के q1 प्लस q2 के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो आपका होमवर्क क्या है, जो मैंने आपको शीट दी है, सब्जेक्टिव शीट 1 और ऑब्जेक्टिव शीट 1, आप ये पूरी की पूरी सॉल्व करके आएंगे। 10 क्वेश्चन बचे हैं सब्जेक्टिव के और 15-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। तो अगली बार मैं सीधा इसके डाउट्स लूंगा और डाउट्स लेके क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये होमवर्क क्लियर है सबको? सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते क्लास में सॉल्व, आपको एक तरीका बता दिया, ट्राई आपने करके आने हैं। क्लियर है? ऑनलाइन वालों को अगर जिसको नहीं मिला वो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप करके मंगवा ले इसकी PDF की कॉपी, ठीक है, जो नहीं आ सकते। ओके सर।